राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि सिद्धार्थ जब ज्ञान की खोज में राज्य को छोड़कर वन में चले जाते हैं, तब जब वो मगध राज्य की राजधानी से गुजर रहे थे तो वहां के राजा बिंबसार ने उन्हें अपना राज्य देना चाहा, किंतु सिद्धार्थ ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब सुनिए आगे की कहानी। इस भाग का शीर्षक है काम निंदा। मगध राज के मुख से अपने लक्ष्य के प्रतिकूल बातें सुनकर भी सिद्धार्थ ने शांतिपूर्वक निर्विकार भाव से उत्तर देते हुए कहा, हे हरियंक वंशी राजा, आपने अपने मित्र के पक्ष में जो कुछ भी कहा है वह आश्चर्यजनक नहीं है। पूर्वजों की मैत्री को सज्जन अपनी प्रीति परंपरा से और भी बढ़ाते हैं। सचमुच जो धनहीन मित्र की भी सहायता करता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। इसलिए हे राजन, मित्रता और सज्जनता के कारण मैं आपको उत्तर तो नहीं दे सकता, परंतु अनुनय अवश्य करना चाहता हूं। मैं तो जरा और मृत्यु के भय से ही मोक्ष की इच्छा से धर्म की शरण में आया हूं, इसलिए मैंने काम को त्यागा है और उसी के साथ अपने बंधुओं को भी छोड़ा है। मैं सांपों से, वज्रपात से या प्रचंड अग्नि से भी उतना नहीं डरता जितना मैं विषयों से डरता हूं। काम अनित्य है, वह ज्ञान रूपी धन का चोर है, वह मोहपाश में बांधता है। जैसे पवन प्रेरित अग्नि ईंधन से तृप्त नहीं होती, वैसे ही विषय तृषित व्यक्ति कभी विषय भोगों से तृप्त नहीं होता। जैसे अनंत नदियों के गिरने से भी समुद्र की तृप्ति नहीं होती, वैसे ही काम के भोग से मनुष्य को कभी तृप्ति नहीं मिलती। देखिए, देवों द्वारा स्वर्ण की वर्षा किए जाने पर सभी द्वीपों को जीतने के बाद और इंद्र का आधा आसन प्राप्त करने के बाद भी मानधाता को तृप्ति नहीं मिली। विषयों का चिंतन भी अमंगल है, इसीलिए सज्जन काम का त्याग करते हैं। यह जानकर भी इस काम के विष को कौन ग्रहण करेगा? आप जानते हैं कि संगीत की आसक्ति से हिरण मरते हैं, रूप की आसक्ति से पतंगे जल जाते हैं, मांस के लोभ से मछलियां प्राण देती हैं। आसक्ति का परिणाम ही विपत्ति है। इसलिए मैं मानता हूं कि इससे दूर रहना ही बुद्धिमानी है। मैं जानता हूं न राजा सदा हंसता रहता है और ना दास ही सदा संतप्त रहता है। मेरे लिए राजा और दास दोनों ही बराबर हैं। संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर भी सम्राट अपने निवास के लिए एक ही पुर चुनता है। राजा भी एक जोड़ा वस्त्र पहनता है
और एक ही शैया पर सोता है, शेष सब कुछ तो मात्र दिखावा है, मद है। संतोष हो जाने पर मनुष्य को यह सारा संसार निरर्थक लगने लगता है। इसीलिए मैं जानबूझकर कल्याण के मार्ग पर प्रवृत्त हुआ हूं। आप मित्र होने के नाते कामना कीजिए कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूं। मैं ना तो क्रोध से वन में आया हूं, न पराजित होकर या किसी फल विशेष की इच्छा से आया हूं। इसीलिए मैं आपकी बात नहीं मान पा रहा हूं। मैं तो संसार रूपी बाण से घायल होकर शांति पाने की इच्छा से निकला हूं। मुझे तो स्वर्ग का भी राज्य नहीं चाहिए, इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या। हे राजन, आपने कहा था कि त्रिवर्ग का संपूर्ण रूप से सेवन करना ही परम धर्म है। आपकी यह बात मुझे अनर्थकारी लगती है, क्योंकि त्रिवर्ग नाशवान है और संतोषप्रद भी नहीं है। मैं तो परम पद उसे मानता हूं जिसमें न जरा है, न भय है, न रोग है, न जन्म है, न मृत्यु है, न व्याधि है, और जिसके पाने के बाद कुछ भी करणीय नहीं रहता। यमराज सभी को किसी भी अवस्था में बलात् खींच लेता है। इसीलिए कल्याण के लिए वृद्धावस्था की प्रतीक्षा करना उचित नहीं है। हे राजन, अब मुझे ठगा नहीं जा सकता है। मैं वह सुख भी नहीं चाहता जो दूसरों को दुख देकर प्राप्त किया जाता है। मैं यहां आया था और अब मोक्षवादी अराड मुनि से मिलने जा रहा हूं। आपका कल्याण हो। आप मुझे कठोर सत्य कहने के लिए क्षमा करें। हे राजन, आप इंद्र के समान रक्षा करें, सूर्य के समान रक्षा करें। आप अपने गुणों से कल्याण की रक्षा करें, पृथ्वी की रक्षा करें, आयु की रक्षा करें, सत्पुत्रों की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें और अपनी रक्षा करें। कुमार भिक्षु के ये आशीर्वचन सुनकर मगध राज ने बड़े अनुनय के साथ हाथ जोड़े और कहा, आप अपना अभीष्ट प्राप्त करें। कृतार्थ हूं और समय आने पर मेरे ऊपर भी अनुग्रह करें। अच्छा, ऐसा ही हो। ये कहकर सिद्धार्थ वहां से वैश्वंतर आश्रम की ओर चल दिए। मगध राज भी सिद्धार्थ के परिव्राजक रूप से विस्मित होकर अनुचरों के साथ राजगृह की ओर लौट आए। संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। मूल कथा महाकवि अश्वघोष, आलेख प्रोफेसर माणिक गोविंद चतुर्वेदी, सहयोग प्रोफेसर अनिरुद्ध रॉय, कलाकार मंजू मैनी
और जितेंद्र राम प्रकाश तथा अशोक शर्मा, तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार, तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े, ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।